गोरखनाथ पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट टप्पेबाजी गिरोह के अभियुक्त को लूट व टप्पेबाजी के सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। गोरखनाथ थाना पर घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गोरखनाथ पुलिस व स्वाट टीम ने रेलवे स्टेशन पार्सल गेट के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अख्तर अली पुत्र हबीब अली निवासी ग्राम ठंडा नाला चौकी गुलरभोज थाना गदरपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक सोने की चैन, अंगूठी, 5000 नगद और 115 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त महिलाओं व बुजुर्गों को झांसा देकर पुलिस वाला बनकर डरा धमका कर उनके गहने और रुपयों की लूट करता था तथा नशीले पदार्थ का उपयोग करके यात्रियों से मिलजुल कर उनको नशीला पदार्थ खिलाकर लूट व चोरी की घटना को अंजाम देता था। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में धर्मशाला चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, शैलेन्द्र गौतम उप निरीक्षक स्वाट टीम प्रभारी सादिक परवेज, कांस्टेबल विक्रम सिंह, ब्रिजमोहन गिरी, स्वाट टीम कांस्टेबल राशिद अख्तर खां, कुतुबुद्दीन, धर्मेंद्र तिवारी, सनातन सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, कुछ घटनाएं टप्पेबाजी की कारित हुई हैं तो उसके लिए हम लोगों की नज़र पड़ी हुई थी। तो हमें कल रात में सूचना मिली, ये लोग नववर्ष की पार्टी वार्टी मना रहे हैं और यहीं पे रेलवे स्टेशन के पास उनका लोकेशन मिला गया। आज सुबह 5:30 बजे हमने गिरफ्तार किया है, अख्तर अली हैं। ये इसके पहले भी 3 जगहों से जेल जा चुके हैं और रहने वाले हैं ये, गदरपुर थाना पड़ता है जनपद उधम सिंह नगर का। वारदात में ये इनके अंदर एक गुण है कि ये किसी को भी बेवकूफ़ बना लेते हैं, अपनी बातों में उसको फंसा लेते हैं। जैसे कि एक घटना जो वहाँ पे हुई थी कोतवाली क्षेत्र में हुई थी, तो महिला से एक चौराहे पे बात की, बिल्कुल खुले में बात करी और उसको ये कहा कि तुम 10 कदम उधर चल के जाओ और फिर जब वापस आओगी तो तुम्हारा जो ये, तो वो चली गई और तब तक ये लेके फरार हो गए। तो इनमें ये इस तरह से अपने टप्पेबाजी और इस तरह के अंतर्राज्यीय गैंग हैं। बाकी राज्यों में भी इन्होंने काफ़ी घटनाएं करी हैं, बिहार में भी करी है, उत्तर प्रदेश में भी करी है। इनका आपराधिक इतिहास जो है अभी खंगाला जा रहा है और 3 जगह से जेल जा चुका है पहले। गोरखपुर में देखिए अभी 4 वारदातें तो हो ही गई हैं, अभी प्रेस नोट में आप देखेंगे 4 वारदातों को अंजाम कर ही चुके हैं अभी। और मेरे ख्याल से अभी इनकी एक बाइक हमने पकड़ी थी जब कोतवाली में थे, तो उसको उस पर भी इनके नज़र थी, शायद ये वापस करवाना चाह रहे हैं जैसे भी। इनके साथ 2 मित्र और हैं, इरशाद और यूनुस, ये दोनों भाग गए हैं, इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।